ओम नमो आदेश गुरु को, जय गुरु गोरखनाथ, जय महाकाली। दोस्तों आज हम बात करेंगे शिवरात्रि पर किस प्रकार अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। दोस्तों जब भी कोई पर्व आता है या त्यौहार आता है तो हर व्यक्ति के मन में ये इच्छा होती है कि वह उसका पूर्ण लाभ उठा सके, और इस विशेष अवसर पर अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सके। या यूं कहिए कि हमारे देश में प्रत्येक व्यक्ति ऐसे पर्व का इंतजार करता है कि जब वो अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सके। तो इसी प्रकार अभी जो त्यौहार आने वाला है वह है भगवान भोलेनाथ महादेव का त्यौहार शिवरात्रि। भगवान शिव को भोलेनाथ इसलिए कहा जाता है कि वह बहुत ही भोले हैं और बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। प्रत्येक भारतीय के मन में ये इच्छा होती है कि वह शिव को कैसे प्रसन्न करें, जिससे भगवान आशुतोष का वरदान उसे प्राप्त हो सके। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि शिवरात्रि के इस पावन अवसर पर आप अपनी राशि के अनुसार भगवान शिव को किस प्रकार प्रसन्न कर सकते हो और उनसे अपनी इच्छा सिद्धि का वरदान प्राप्त कर सकते हो। उपाय बताने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे हमारा प्रत्येक अपडेटेड वीडियो आपको प्राप्त होता रहेगा और आप उसका पूर्ण लाभ उठा सकेंगे। और यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक का बटन अवश्य दबाएं और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, जिससे आपके अन्य मित्र तथा सहयोगी और परिवार के सदस्य इसका लाभ उठा सके। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि। मेष राशि वाले जातकों को पवित्र जल या गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए और लाल रंग के पुष्प अर्पित करने चाहिए और ओम नमः शिवाय का कम से कम एक माला जाप अवश्य ही करना चाहिए। इससे भगवान शिव मेष राशि वाले जातकों पर अपनी कृपा बरसाएंगे और उनकी जो कामना है वह पूर्ण होगी और रोग शोक दूर होंगे। वृक राशि वाले जातक गंगा जल में सफेद तिल धारकर भगवान शिव का अभिषेक करें और भगवान शिव पर सफेद फूल अर्पित करें।
और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। गाय की घी कई जो जगाकर शिव आरती करें, इससे भगवान शिव आपकी कामना पूर्ण करेंगे और आपके रोग शोक दूर होंगे और आपको यश और वैभव की प्राप्ति होगी। मिथुन राशि वाले जातक भगवान शिव पर बिल पत्र अर्पित करें और बिल पत्रों पर सफेद चंदन से 108 बार राम नाम लिखकर भगवान शिव पर अर्पित करें तथा अक के और धतूरे के फूल भगवान शिव पर अर्पित करें और कम से कम 11 बार शिव चालीसा का पाठ करें। इससे आप पर भगवान शिव की कृपा बनी रहेगी और आपका वर्ष आनंद में व्यतीत होगा। कर्क राशि वाले जातक शक्कर दूध में मिलाकर भगवान शिव को चढ़ाएं और श्वेत कमल अगर मिल सके तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो कोई भी सुगंधित सफेद पुष्प आप भगवान शिव पर अर्पित करें और शिव अष्टक का जाप करें। ऐसे भगवान शिव की और माता पार्वती की यहाँ पर कृपा बनी रहेगी। सिंह राशि वाले जातक अनार के रस के साथ धतूरे के पुष्प भगवान शिव को अर्पित करें और शिव महिमन स्तोत्र का जाप करें। और भगवान शिव को गुगल की धूप अर्पित करें, इससे आपके घर परिवार में व्यापार में वृद्धि होगी और आपका वर्ष आनंद से व्यतीत होगा। कन्या राशि वाले जातक भगवान शिव को कन्या का रस से अभिषेक करें और हरे रंग के पुष्प और भंग के पत्थर भगवान शिव पर अर्पित करें और शिव रात्रि के व्रत की कथा सुने, इससे आपको आरोग्य और धन संपत्ति की प्राप्ति होगी, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तुला राशि वाले जातक चांदी के नाग नागिन भगवान शिव को अर्पित करें और श्वेत पुष्प भगवान शिव को अर्पित करें और यदि संभव हो तो श्वेत पुष्प की माला भगवान शिव को अर्पित करें और
शिव सहस्त्र नाम का जाप करें। इससे भगवान शिव आप पर प्रसन्न रहेंगे और आप पूरा वर्ष उनकी कृपा को अनुभव करते रहेंगे। वृश्चिक राशि वाले जातक लाल वस्त्र और मसूर की दाल शिवरात्रि के दिन भगवान शिव को अर्पित करें और लाल पुष्प भगवान शिव को अर्पित करें और भगवान शिव के 108 नामों का जाप करें। इससे आपके दुख क्लेश दूर होंगे और आपकी कामना पूर्ण होगी। धनु राशि वाले जातक केसर युक्त दूध व दूध से बनी हुई मिठाई और पीले रंग के पुष्प कनेर के भगवान शिव को अर्पित करें और 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करें। इससे आपके सभी प्रकार के कष्ट दूर होंगे और आपको व्यापार में वृद्धि तथा परिवार में सुख की प्राप्ति होगी। मकर राशि वाले जातक काले तिल सरसों के तेल में डालकर भगवान को अर्पित करें और नीले रंग के पुष्प भगवान शिव को चढ़ाएं और रुद्राभिषेक कराएं। इससे भगवान शिव आप पर प्रसन्न होंगे और आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। तुला राशि वाले जातक भगवान शिव को तिल के तेल के साथ काले उड़द और ₹1 का नया सिक्का साथ में जामनी फूल और भंग और धतूरा अर्पित करें। और शिव महिमन स्तोत्र या रुद्री के द्वारा भगवान शिव का अभिषेक करें। इससे आप पर शिव कृपा बरसेगी। मीन राशि वाले जातक पीले पदार्थों का भोग भगवान शिव को लगाएं और दूध में केसर और चने की दाल डालकर भगवान शिव को अर्पित करें। पीले रंग के फूल तथा पीले रंग के फूलों की माला भगवान शिव पर अर्पित करें और शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करें या सुने। इससे भगवान शिव आप पर प्रसन्न होंगे और आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी। जिन व्यक्तियों को कर्ज और शत्रुओं से परेशानी है वह कर्ज मुक्ति और शत्रुओं से
छुटकारा पाने के लिए भगवान शिव का रुद्री जाप के द्वारा गन्ने के रस से अभिषेक करें। इससे उन्हें कल से मुक्ति मिलेगी और शत्रुओं से छुटकारा मिलेगा। सुख शांति के लिए आप गंगा जल में दही मिलाकर भगवान शिव पर अर्पित करें। इसके दौरान आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी करते रहें तो इससे आपको सुख की प्राप्ति होगी। यश प्राप्ति के लिए गंगा जल से रुद्री के द्वारा भगवान शिव का अभिषेक करें। जिन माताओं के संतान होकर नष्ट हो जाती है या घर में ही नष्ट हो जाती है, जिन्हें मितमास्सव दोष कहा जाता है, वह गाय के घी से भगवान शिव का अभिषेक करें तो इससे उन्हें संतान की प्राप्ति होगी। और जिन परिवारों में पति पत्नी में सदा कलह क्लेश बना रहता है या परिवार के सदस्यों में सदा लड़ाई झगड़ा बना रहता है, वह सुखी जीवन के लिए रुद्री के जाप के द्वारा शहद से भगवान शिव का अभिषेक करें। इससे उनका कलह समाप्त होगा और उन्हें सुख की प्राप्ति होगी। दोस्तों, इन उपायों के साथ आपको एक बात अवशेष ध्यान रखना है कि इस दिन आपको असत्य बोलने से बचना है और तामसी भोजन का सेवन नहीं करना और यथाशक्ति शिव पार्वती के निमित्त कुछ ना कुछ दान अवश्य करें और ज़्यादा से ज़्यादा मन भगवान में लगाएं। हम ये आपको ये नहीं कह रहे कि आप अपने कारोबार को छोड़कर मंदिर में जाकर बैठ जाएं, लेकिन नियम से रहें तो आप इन छोटे छोटे उपयोगों का या उपायों का चमत्कार अनुभव करेंगे। इस बार 24 फरवरी शुक्रवार के दिन सावन नक्षत्र में महाशिवरात्रि का पर्व आ रहा है तो आप इसका पूर्ण लाभ उठाइए और यदि आप में समर्थ हो और तो आप रात्रि काल में भगवान शिव की जो चार पूजाएं होती हैं उनमें भाग लें, नहीं तो कम से कम एक पूजन अवश्य कराने का प्रयत्न करें जिससे आपकी ग्रह बाधा, देह बाधा, आध्यात्मिक बाधा, भौतिक बाधा, शत्रु बाधा, प्रेम बाधा और काल सर्प दोषों से आपको मुक्ति प्राप्त होगी। तो दोस्तों, ये थे शिवरात्रि के कुछ छोटे छोटे
राशि के अनुसार उपाय हम आशा करते हैं कि आप इन उपायों का पूरा पूरा लाभ उठाएंगे। और यदि आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक का बटन अवश्य दबाएं और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, जिससे आपके अन्य जानकारों का भी फायदा हो सके और वह इसका लाभ उठा सकें। दोस्तों, जो दूसरों का भला करता है भगवान उसका भला करते हैं, इसीलिए अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो शेयर करना ना भूलें, जिससे हो सकता है किसी दुखी का भला हो जाए और उसकी दुआ आपके काम आ जाए। तो आप सभी को शिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई। भगवान शिव और भगवती पार्वती आप सब पर अपनी कृपा बरसाएं। इसी कामना के साथ आप सभी भक्तों को जय महाकाली, जय गौरी शंकर, जय गुरु गोरखनाथ। दोस्तों, अगर आपकी इस वीडियो के संबंधी कोई जानकारी प्राप्त करना चाहें तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर से फ़ोन कर और व्हाट्सएप में मैसेज कर कमेंट बॉक्स के द्वारा हमसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप हमारे अन्य वीडियो YouTube पर पंडित नरेश नाथ जी के नाम से सर्च कर प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसी ही उपयोगी जानकारी लेकर शीघ्र ही आपके समक्ष हाजिर होंगे।